Dear members, today we will discuss जेलसीमियम. पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जेलसीमियम का वो पार्ट है क्वाइट वांट्स टू बी डिस्टर्बड अवर्जन टू बींग स्पोकन अवर्जन टू बींग इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वैन टाक इंडिस्पोज टू डिजायर टू बी साइलेंट. See so many rubrics related to quiet wants to be and disturbed aversion to be. Spoken aversion to, irritability spoken to when talk indisposed to, desire to be silent. ये बहुत important part है जेलसीमियम का. वह अपने आसपास बिल्कुल चुप शांति चाहता है. उसे पानी के नल से टपकती बूंदें भी बुरी लगती हैं. इतनी वो आले दुआले शांति चाहता है जेलसीमियम वाला. और इतनी जल्दी हम पकड़ लेते हैं इसको अप्लाई करने में, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को हिम्मत जुटाकर आराम करने वाली स्थिति में लाया, स्थिति प्राप्त की. और इसलिए वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, तंग नहीं होना चाहता. यदि कोई आसपास बात भी करता है तो भी शांति चुप्पी भंग होती है. यदि कोई उससे उठने में चलने में सहारा देना चाहता है तो वह जय चाहता नहीं. क्यों? उसे जय होता है कि जो हिम्मत जुटाकर वह चल रहा है वो वहीं ना गवा दे. जो उसकी अच्छी तरह संभाल कर सकता है वह उसी की मदद लेता है. जैसे कि और जो इसका इम्पॉर्टेंट रूब्रिक हैं, क्लिंगिंग टू पर्सनज और फर्नीचर, डिस्टर्बड अवर्जन टू बींग, हेल्ड वांट्स टू बी, हेल्ड बींग अमेलियोरेट्स. इस क्लिंगिंग को डॉक्टर सहगल ने जेलसीमियम की अपनी माँ के साथ चिपकना कहा है, क्योंकि माँ ही बच्चे की जरूरत को समझ सकती है. वो ही अपना सुख त्याग कर बच्चे को सुख देती है. खुद पीघे में बिस्तर पर लेटकर भी बच्चे को सूखी जगह पर लटाती है. इसलिए जेलसीमियम का चिपकना भी वे मदर के साथ जहाँ माँ जैसी जो भी कंडीशन पूरी करता हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जेलसीमियम.